बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दो दिवसीय अपने दौरे पर रहेंगे बिहार के, और बिहार वासियों को देंगे कई स्वागत। बस की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 200 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों का भी करेंगे उद्घाटन। 7 सितंबर को पटना में पीएमसीएच का करेंगे निरीक्षण। बड़ी खबर, जहां जेपी नड्डा अपने दो दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे पटना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुमेंदु रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुमेंदु, देखिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है दो दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ उनका प्लान है और क्या कुछ का बहुत कुछ उद्घाटन भी करेंगे और कई स्वागत भी जो है वो बिहार वासियों को देंगे? बिल्कुल अवंतिका, किस तरह से मैं आपको बताऊं कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार दौरे पर, अपने दो दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं और बहुत बड़ी सौगात देने की बात है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले वो पटना 10:05 पर यहाँ उतरेंगे एयरपोर्ट पर, उसके बाद सीधे वहां से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद IGIMS में जाकर वो नेत्र अस्पताल जो है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि भागलपुर में एक 200 बेड का जो है जवाहर हॉस्पिटल में 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी जो बेड है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो गया जाएंगे उस वहां पे अनुग्रह नारायण सिंह जो है वहां पर जाकर वो 200 बेड का जो है सुपर स्पेशलिटी बेड का वहां पर उद्घाटन करेंगे। तो कह सकते हैं पूरी तरीके से इस बार जो उनका कार्यक्रम है दो दिवसीय कार्यक्रम है और बहुत ही बिजी शेड्यूल है उनका। साथ ही मैं बताऊं कि कल यानी 7 तारीख को सुबह पीएमसीएच में जो विश्व स्तरीय, मैं बताऊं कि पीएमसीएच जो है लगभग 54,000 करोड़ की लागत से जो है वहां पर अब जीर्णोद्धार हो रहा है, नए नए भवन बनाए जा रहे हैं, नई फैसिलिटी दी जा रही है और तमाम वो सुविधाएं, ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के एम्स से बड़ा ये हॉस्पिटल होगा और लगभग एशिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल अवंतिका कहीं नहीं, अगर ये बनके तैयार हो जाता है तो इतना बड़ा हॉस्पिटल का परिसर से लेके हॉस्पिटल नहीं होगा। तो कह सकते हैं एक बार फिर से जो है जेपी नड्डा जो है पीएमसीएच के निरीक्षण के बहाने ही तमाम वो सुविधाओं को भी देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कैसी सुविधाएं, उनके साथ जो है मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी उपस्थित रहेंगे और तमाम वो जो बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे, उनके साथ उपस्थित रहेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर तमाम जो दल है लगातार जो है सरकार पर सवाल उठाते रही है और उसी कड़ी में जो तीन तीन हॉस्पिटल का जो है कह सकते हैं, चाहे वो हम भागलपुर की बात कर ली जाए जवाहर हॉस्पिटल की या अनुग्रह नारायण हॉस्पिटल की, 200 बेड वहां पर बढ़ाए गए हैं। वहीं अगर एम्स की बात कर ली जाए अवंतिका, एम्स में आपको बताऊं कि सोहन में जो है राज्य सरकार ने जमीन जो है अधिग्रहण करके दे दिया है केंद्र सरकार को, और जो लगातार अटकलें चल रही थी कि आखिर दरभंगा में एम्स कब बनेगा, तमाम जब विपक्ष में भाजपा थी तो लगातार है नीतीश कुमार से सवाल पूछते आई कि आखिर जो जमीन देने की बात हो रही थी कि कब जमीन दी जाएगी राज्य सरकार के तरफ से एम्स बनने के लिए, लगातार बड़े बड़े बयान होते रहे, बड़ी बड़ी चीजें सामने आती रही, लेकिन अंततः जब नीतीश कुमार जो है एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो तुरंत जो है सोहन में जमीन दे दी जाती है। जमीन देने के बाद जो है अब वहां कार्य शुरू होगा, लगभग 155 एकड़ का परिसर है अवंतिका, और मैं बताऊं कि जिस तरह से बताया जाता है कि सीमांचल का क्षेत्र जो है अगर वहां दरभंगा में अगर एम्स बन जाता है तो सीमांचल के क्षेत्र में काफी सुविधाएं होंगी, जो मरीज या तो पटना आते हैं या दिल्ली जाते हैं वो सीधे तौर पर जो है दरभंगा आएंगे, और दरभंगा का बड़ा मैं बताऊं कि दरभंगा में एम्स बनने के बाद बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, लोगों के लिए व्यवसाय की एक जो है बुनियादी ढांचा शुरू होगी। तो कह सकते हैं बहुत बड़ा कदम है केंद्र सरकार की तरफ से, और मैं बताऊं कि यहाँ भी आएंगे कुछ समय, उनका जो बीच का जो समय है वो निर्धारित नहीं किया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2025 के जो चुनाव आने वाले हैं, 2025 के चुनाव को लेकर प्रदेश स्तर के सारे पदाधिकारियों से, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे जितने भी बीजेपी के मंत्री हो, उनसे मुलाकात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, और सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार जो महागठबंधन है लगातार बैठकों का दौर कर रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसमें शामिल हो चुकी है, जिस तरह से जेपी नड्डा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री के साथ, तो यहाँ पर बीजेपी जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी संबोधित कर सकते हैं। अभी हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कोई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लगातार ये संभावनाएं जताई जा रही है कि एक तरह से बूस्टर
देने के लिए यहाँ पर जेपी नड्डा आ रहे हैं। अस्पताल तो एक बहाना है, जो जितने भी बिहार के बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों को यहाँ पर नीतीश कुमार से उनके आवास पर बैठक भी करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये बैठक जो है अहम मानी जा सकती है। रमन, बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, मैं बताऊं कि लगभग 11:25 में वो नीतीश कुमार के आवास पर जाएंगे और वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात होगी, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे से खबरें निकल कर आ रही है कि वहां 2025 के चुनाव के विषय में भी मंथन हो सकता है, तमाम वो बातें होंगी, चाहे वो सोहन को लेकर। देखिए, सीमांचल का क्षेत्र जो है कहा जाता है जदयू का गढ़ माना जाता है। आपने देखा होगा कि जदयू की अधिकतर जो सीटें लोकसभा चुनाव के दरमियान हमने देखी वो सीमांचल क्षेत्र में ही था। कहीं ना कहीं अगर पूर्णिया को छोड़ दिया जाए तो पूर्णिया भी कहीं ना कहीं जदयू के खाते में ही जाती थी, लेकिन इस पर बड़ा उलटफेर हुआ, पप्पू यादव वहां से निर्दलीय जीत के आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अवंतिका की सीमांचल में जदयू का बहुत अच्छा पकड़ है। उसके बाद अगर मिथिला की बात कर ली जाए तो मिथिला में मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सब जो है सहरसा, ये सब आते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत है। और जो सबसे बड़ी मुसीबत है, सबसे बड़े जो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं एनडीए के लिए, कि शाहबाद का क्षेत्र, मैं बताऊं कि कल जिस तरह से आरजेडी की बैठक हुई थी, शहीद जगदेव राम की जो है पुण्यतिथि मनाई गई थी, और उसमें कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब यादव और कुशवाहा भाई भाई हैं, दोनों साथ हैं, तो जिस तरह से माई समीकरण कहा जाता था, तो अब जो कुश समाज है कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि नीतीश कुमार से अलग होकर राजद का दामन थाम रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ पूर्ण रूप से नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा अवंतिका आ रहे हैं, बिहार को बहुत ही बड़ी सौगात मिलने वाली है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर ली जाए या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर संबोधित करने के लिए, क्योंकि इसकी औपचारिक अभी कोई घोषणा नहीं हो पाई है अवंतिका, लेकिन ये स्पष्ट है कि जेपी नड्डा आएंगे यहाँ पर हॉस्पिटल के निरीक्षण के बाद में, उद्घाटन के बाद में, अपने जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, मंत्री हैं, सबसे मिलेंगे और 2025 की चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने के लिए लोगों को कहेंगे अवंतिका। जी बिल्कुल, और हम एक और खबर दर्शकों को दे दें कि आज जो महिलाएं हैं सुहागिन महिलाएं, उनके लिए भी आज खास दिन है। आज हरितालिका तीज जो है व्रत, वो है जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेगी और इस व्रत को करेगी, और बिहार में भी इसे लेकर के धूम जो है देखा जा सकता है। शुभेंदु, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि हरितालिका व्रत, जिसको लोग तीज के नाम से भी जानते हैं अवंतिका, और बिहार नहीं पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वहां पर ये पर्व मनाया जाता है, चाहे दिल्ली की बात कर ली जाए, चाहे यूपी की बात कर ली जाए, बंगाल सहित झारखंड सहित तमाम वो राज्य हैं जहां पर जो है तीज मनाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि करवा चौथ बड़े शहरों में, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर ली जाए तो वहां करवा चौथ मनाया जाता है, लेकिन बिहार, झारखंड, यूपी, इन जगहों पर जो है तीज पर्व मनाया जाता है, जहां जो स्त्रियां हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, निर्जला उपवास करके 24 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं और भगवान भोलेनाथ से अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। मैं बताऊं कि बहुत ही लंबी दास्ता है, और जिस तरह से बिहार की बात अगर कर ली जाए तो बिहार में जितनी भी महिलाएं हैं तीज व्रत को लेकर खासा उत्साहित रहती है। लगभग मैं बताऊं कि साड़ियों का जो बाजार है वो भी काफी गर्म होता है, और फल सारे जितने भी चीज होते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो सारी चीजें चढ़ाई जाती है। और तीज व्रत जो है, तीज व्रत 24 घंटे उपवास के बाद जो है महिलाएं उसके बाद अपना उपवास खोलती है, अपने जो पति है उनके लंबी उम्र की कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, पूजा करती है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है। जैसे छठ पूजा, हम जानते हैं कि छठ पूजा में बिहार में ही सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब पूरे देश में ये प्रचलित हो चुका है। उसी तरीके से अगर तीज की बात कर ली जाए तो तीज बिहार ही नहीं पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जो है उतना ही पवित्र हो चुका है, उतना ही फेमस हो चुका है। जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत करती हैं, और मैं आपको बताऊं कि ऐसा माना जाता है कि ये व्रत करने से जितनी उनके पति की जो है आयु बढ़ती है, तो तमाम वो महिलाएं जो है जो आस्था में विश्वास रखती है, ईश्वर में विश्वास रखती है, इस पर्व को करती है अवंतिका। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमन इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हम
आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है आज दो दिवसीय दौरे पर बिहार पटना आएंगे और तमाम जो बिहारवासी है उन्हें स्वागत भी देंगे और तमाम ऐसी जो बड़े चीज उनका उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का दो दिवसीय बिहार दौरा है और बिहारवासियों को देंगे कई स्वागत। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार के साथ करेंगे बैठक और भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर भी जाएंगे जेपी नड्डा। 7 सितंबर को पटना के पीएमसीएच का करेंगे निरीक्षण। राष्ट्रीय का त्यौहार है और जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अहम दिन है। आज हरितालिका तीज व्रत है और जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं आज उनका जो 24 घंटे का निर्जला व्रत होगा, 24 घंटे के निर्जला व्रत के बाद वो पूजा करेंगे और उसके बाद ही वो अन्न ग्रहण करेंगे। और आज 24 घंटे के निर्जला व्रत के दौरान वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और लगातार ये जो व्रत है वो 24 घंटे का होता है। बिहार के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी ये मनाया जाता है।